आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज और मैं हूं विनय सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर लौकुश रामलीला का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज तिवारी मौजूद थे, जो केवट की भूमिका में नजर आएंगे अब की बार लौकुश रामलीला में आपको। तो आइए हम आपको दिखा दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर क्या इन्होंने कहा। इस साल लाल किले के मैदान में होने वाली लवकुश रामलीला में भोजपुरी सिनेमा के अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी केवट का किरदार निभाएंगे। वहीं बॉलीवुड एक्टर अरुण बंडोला लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे। मनोज तिवारी भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और सिंगर हैं। वहीं अरुण बंडोला लोकप्रिय टीवी सीरियल महाबली हनुमान सहित 20 से ज्यादा सीरियल और सस्पेंस फिल्म में रोल कर चुके हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीला के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने पत्रकारों को बताया कि इस साल लीला का मंचन शुरू होने से पहले 22 से 25 सितंबर 2022 को लीला मंचन पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इसी कड़ी में हारे का सहारा, बाबा श्याम खाटू वाले के भजन संध्या कार्यक्रम में लोकप्रिय भजन गायक कन्हैया मित्तल गुणगान करेंगे। इस बार लवकुश रामलीला कमेटी एक भव्य रामलीला होगी और उस भव्य रामलीला के अंदर हमारे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले 100 फुट, 90 फुट और 80 फुट के पुतले होंगे। इस बार जो हमारा मंच होगा वो 180x60 फुट का होगा, जो कि 3 मंजिला मंच होगा। और रामलीला बिल्कुल हाईटेक रामलीला इस बार देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रामलीला अब गली मोहल्ले की रामलीला नहीं रह गई, जैसा कि मनोज भाई ने बताया था, तब तो वीव की रामलीला हो गई। और आप लोग जो दिखाएंगे वो इमीडिएटली जो है आगे सारी दुनिया के अंदर चली जाती है। तो रामलीला आपके ऐसी दिखाई देगी कि लोग ये कहेंगे कि लवकुश रामलीला कमेटी के लोगों ने सही मायने के अंदर इनके ऊपर प्रभु राम की कृपा है और ये सब लोग इकट्ठे होकर प्रभु राम की महिमा को दिखा रहे हैं। और इससे हमारी आने वाली युवा पीढ़ी एक सबक सीख सकेगी और उनको परिवारों को संस्कार मिल सके। हम ये चाहते हैं कि पहले तो अपने देश के अंदर हर गली गली मोहल्ले के अंदर रामलीलाएँ हों और इसके साथ साथ विश्व के अंदर भी। हम एक पूरी टीम इस बार की ऐसी बना रहे हैं जिसके अंदर 3 घंटे की रामलीला होगी और 3 घंटे की रामलीला हिंदुस्तान के किसी कोने के अलावा भी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर दिखानी हो तो हम अपनी टीमों को भी भेजेंगे, जहां पर हमारे आर्टिस्ट जाके उस 3 घंटे की रामलीला को विश्व में दिखाएंगे। लीला कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल ने बताया कि ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का एक विशेष कार्यक्रम 24 सितंबर 2022 को लीला स्थल लाल किला मैदान में संपन्न होगा। इस अवसर पर फिल्मी दुनिया के अनेक कलाकारों द्वारा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। फिल्म अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि लवकुश रामलीला में केवट का किरदार उनका पसंदीदा किरदार है, क्योंकि मुझे किरदार को निभाते हुए प्रभु श्री राम के भजन गाने का अवसर मिल जाता है और मैं एक्टर से पहले एक गायक हूँ। प्रभु श्री राम जी के सामने और लाखों राम भक्तों के बीच मुझे भजन गाने का सुनहरा मौका मिल जाता है। लवकुश रामलीला समिति हर साल कुछ न कुछ नया करती है और लीला को बहुत रिसर्च के साथ करती है, राम जी की लीला को। मैंने पहले यहाँ पे अंगद की भूमिका की है, मैंने एक बार केवट भी किया, इस बार मैं पुनः केवट कर रहा हूँ। मैं नहीं चुनता हूँ, जो समिति कह देती है ये रोल करना है तो मैं सोचता हूँ कि एक दिन हम रामलीला को सपोर्ट करने के लिए रोल करेंगे, चाहे हम किसी पद पे क्यों न चले जाएं, क्योंकि हम सांसद बनने से पहले भी रामलीला का कार्य करते थे। और इसलिए इस साल हम केवट का रोल कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ पूरे दिल्ली से, देश से और सभी रामलीला समितियों से कि आप लोग अपनी अपनी रामलीला को और गौरव से करें और रामलीला में जो दोष
कई दृश्य में कथाओं में कुछ दोष है उसको भी साक्षियों के आधार पर करेक्ट करने की कोशिश करें। देखिए एक तो क्या है कि हम 10 दिन तो नहीं कर सकते, हम तो सांकेतिक सपोर्ट करते हैं इसलिए हम एक ही दिन कर सकते हैं, तो जो रोल एक दिन का हो वही मैं करना पसंद करता हूँ। तो आपने कह दिया है तो अगले बार कई कर लेंगे। मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक मालिक कई रूपों में धरती पे आया है, वो सब उसी के रूप हैं, इसलिए जो भी रूप है सबका सबको सम्मान करना चाहिए। हमारा धर्म ये है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, अपने धर्म पे गर्व करें। मैंने तो अभी प्रश्न दे दिया है, अब शोध करने वाले करेंगे। मेरा मानना है कि राम जी या लक्ष्मण जी ने उसकी तलवार से नाक नहीं काटी, बल्कि उसकी बेइज्जती हुई। बेइज्जती ये थी कि वो रावण की बहन थी और उसको घमंड था कि मैं रावण की बहन हूँ, मैं तो जिसके सामने प्रस्ताव रखूँगी उनसे विवाह कर लेगा, और उसका विवाह प्रस्ताव राम लक्ष्मण ने ठुकरा दिया, तो इससे उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। उस बेइज्जती को लोगों ने नाक कटना आज भी कहते हैं, बेइज्जती माने नाक कटना होता है, लेकिन अब नकिए काट दो तलवार से ये हमें सही नहीं लगता। कुछ ऐसे लोग हैं जो राम के इस चरित्र में रामायण की कथा के मार्फत लोगों को लड़ाने का काम किए हैं, वो जो लोगों को जातियों में लड़ाने की जो शक्तियाँ ने काम किया उसी ने ऐसा चलाया होगा कि परशुराम ने सभी क्षत्रियों को मार डाला। तो मैं वही बताता हूँ कि जनक जी के घर में परशुराम जी का धनुष, शिव जी का धनुष रखा हुआ है, परशुराम जी उसके संरक्षक हैं, तो वो भी क्षत्रिय थे, तो फिर क्षत्रिय को क्यों नहीं मारे? दशरथ जी के पुत्र को राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं, तो दशरथ जी तो क्षत्रिय थे उनको क्यों नहीं मारे? इसका मतलब निकल। और एक लाइन और है कि बोलते हैं जितने यहाँ लोग इकट्ठे हैं ना, जो धनुष तोड़ा है उसको अलग करो नहीं तो सबको सजा दूंगा। इसका मतलब कि वो दोषी को सजा देते थे, और दोषी उस समय राजा होते थे तो राजा क्षत्रिय होते, तो सभी क्षत्रियों को नहीं बल्कि अत्याचारी क्षत्रियों को उन्होंने सजा दिया, जिसको लोगों ने इस प्रकार से कहा कि वही बात हुई ना आज उत्तर प्रदेश और देश में भी देखिए, कभी कभी किसी को सजा हो जाती है तो लोग उसको कास्ट से जोड़ते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। एक्टर अरुण मंडोला ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि लवकुश रामलीला कमेटी के माध्यम से मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार निभाने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। लवकुश रामलीला में रोल करने वाले हमारे साथ है अरुण मंडोला जी। सर आपको जो है लक्ष्मण की भूमिका मिली है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे लवकुश रामलीला कमेटी ने लक्ष्मण की भूमिका के लिए चुना है। लक्ष्मण का कोई एक अच्छा जो डायलॉग आपको याद हो रामलीला में? डायलॉग तो आपको सुना चुके हैं अभी। जो आपका जो मनपसंद डायलॉग जो मैंने आपको अभी सुनाया था वही सुना देता हूँ। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का ताव नहीं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद जैसे अभी कोरोना काल चला उसके बाद आपकी बार रामलीला लोग देखने आएंगे, तो क्या कहेंगे दर्शकों? देखिए अभी तो सबके लिए बहुत एक्साइटमेंट है कि 2 साल बाद लोग रामलीला देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम भी 2-3 साल से घर से बाहर ही नहीं निकले हैं, तो ये जो है मेरे ख्याल से 2022 जो है पूरे भारतवर्ष के लिए जैकपॉट है। दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों को भी यही कहूँगा, प्लीज़ लवकुश रामलीला में आइए और अपने परिवार को एक अपनी संस्कृति से जुड़ाव कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। इस मौके पर लवकुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन पवन गुप्ता, सीनियर उपाध्यक्ष सत्यभूषण जैन, लीला मंत्री कपिल रस्तोगी और प्रवीण सिंघल ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। आपको हमारा ये लवकुश रामलीला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश विदेश और फिल्मी दुनिया के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। इस बार की लवकुश रामलीला बहुत ही खास होने वाली है, तो आप भी जाइए रामलीला मैदान और देखिए लवकुश की रामलीला। आपको हमारा यह लवकुश रामलीला का प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से कैमरामैन गौरव के साथ विनय सिंह, इंडिया A1 न्यूज़ दिल्ली।